किसान सड़कां ते रोल रहा है, दूजे बने साडी लीडरशिप उन्हां लीडरां दे गलां च सरोपे पा रही। ओ तुसी रोटी नहीं सिरे उठ के खांदे, तुहाडे घर च दुध ब्रैड नहीं आउंदा। अज किसान सड़कां ते खलोता है ते तुहाडा फर्ज बनता है लक बन के नाल खलो जाओ। जदन तुहाडे ते बिपता पई जे किसान पासा वट गया, कपड़ा नहीं खाधा जाना, सोना नहीं खाधा जाना, महंगे ब्रांड दियां गड्डियां नहीं खाधियां जानियां, खाण लई रोटी ते अनाज ही चाहिए। अज फर्ज बनता सी सारे दा लक बन के नाल खलो जाओ। पर क्या बात है जी, अज सवेर दी टिकरी बार्डर दी घटना है। कुछ मावां अपने पिंड वापस जा रही सी ते आटो लैके आटो उड़ीक रही सी, ट्रक वाला दूर खलोता सी पूरी प्लैनिंग नाल, कोई ऐ नहीं कि अचनचेत होया है। डॉक्टर स्वयंमान सिंह जी सिरे मैं वीडियो सुन रहा सी, उस स्टेटमेंट दिती है क्योंकि उन्हां विचों तीन बीबियां की डैथ हो गई है। वो आटो उड़ीक रही सी, कितने सवेरे उठ के तत्तियां ने गल की होनी है मावां ने, पुत मैं वापस आ रही हाँ अंदोलन चो, अपने बच्चियां च वापस जाना सी, पोतरियां च वापस जाना सी। वो आटो उड़ीक के उन्हें वापस अपने घर जाना सी, ट्रक दूर खलोता सी, जिहड़ियां बीबियां बच्चियां ने उन्हें स्टेटमेंट दी है भी ट्रक स्टार्ट होया सीधा साडे वालों आया है। तीन बीबिया की मौके पर मौत हो गई है, एक PGI भेज दिता गया है, कई का नुकसान हो गया है। ये कोई आम घटना नहीं वापरती, सोच के वेखो पूरी प्लैनिंग नाल मनोबल डेगण वास्ते सारा कुछ काम किया जा रहा भी यह अंदोलन। लखीमपुर खीरी घटना वापरी है सरकारां दे, हुण यह अत्याचार है, जुल्म है कि तुसी एक बंदे अपना हक मंगण वास्ते खलोते ने। चार मावां दे पुत नछत्र सिंह, दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, लवप्रीत सिंह ते रमन पत्रकार, उन्हां विचों यह पांच जाणियां दी जिहड़ी उत्थे आगू BJP के आगुआ वालों उन्हां दे पुत्र वालों जिहड़े गड्डी चाढ़ के उन्हां नूं दड़ दिता गया। पर अज साडे सिख चेहरिया वाले भी दोगले किस्म के लोग उन्हां दे मगर तुरे फिरदे ने। पर याद रखियो जिदन इतिहास लिखिया जाएगा तुहाडा काले अखरां च नाम लिखिया जाएगा, पीढ़ी याद करेगी उन्हां नूं भी जिहड़े किसानां नाल खलोते ने, ते आउण वाले समय याद उन्हां नूं भी कीता जाएगा जिहड़े इन्हां लीडरां दीआं चप्पलां चढ़दे पए ने। इतिहास तवारीख आ, असीं पुत्र उस गुरु दे हाँ जिस गुरु ने समाज दीआं गुलामी दीआं जजीरां कट्टण वास्ते अपना सब कुछ लेखे ला दिता है। पर दूजे बने असीं कित्थे खलोते पए हाँ। मैं पिछली बार भी एक बेनती की सी, आओ हंबड़ा मारन की लोड़ है, सानू सारिआं नूं तगड़े होण की जरूरत है। याद रखना जी असीं इस बने, मैं पिछले दिन एक विचार दित्ती सी कि जे कितें सारे देश का किसान ऐदा कंप्रोमाइज कर लवे कि जिन्ने किसान है जिहदे कोल 100 एकड़ जमीन है, वह कहे मैं 5 एकड़ अपने लिए बीज लवांगा, बाकी 95 एकड़ जिहड़े लोड़वंद गरीबों को तुसीं अपनी अपनी फसल बीज लो अपने अपने घर वास्ते, लोड़वंद अपनी अपनी फसल बीज लैन ते कोई उन्ना अनाज पैदा करो जिन्ना सानू चाहिदा है। लगातार 2-4 साल उन्ना अनाज पैदा करो जिन्ना चाहिदा है, ना वेचो। जदों हर घर च रोटी पकनी है, कहणगे जी दूजिया देशों च मुका लोगे, जदों इहो आटा जिहड़ा तुहानू अज थोड़े जे पैसों च मिलता है, जदों 500-500, 100-100, 200-200 रुपया तेल दीआं बोतलों वाल वेख लिया, जिहड़ा कदी 100 दी बोतल सी, अज अगलिया एकदम एप्पल दे उत्ते भी अगलिया ने अपने स्टिकर ला दिते ने कि इह भी खरीदण लगे आ। अगलिया दीआं पूरीआं प्लैनिंगां ने साडे इसे देश चों तेल लै के दूजा देश सस्ता तेल वेच रहा है। इत्थे रामदेव वर्गे जिहड़े काला धन वापस लिआउण दीआं स्टेटमेंटां दिंदे सी, अज काला धन दिसदा ही किसे नूं नहीं है। इहनूं गुलामी कहिंदे ने कि तुसीं गुलाम इन्ने बन चुके हो कि अपने मूँह चों आवाज़ चुकण लई तैयार नहीं हो। सोच के वेखो, इक मामूली गल्लां नहीं, लक तोड़न वालियां गल्लां ने। वड्डे वड्डे बिजनसमैन दीआं चीकां निकलियां पईआं ने, पर अग्गिओं पता की कहिंदे आ, शब्द सौखा ही है, सानू की शब्द बोलिया जाता जी, सानू की असी की लैना है। गुरु साहब की बाणी पढ़ के वेखो, राजे शीं मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहींदा पाइन काओ रत पित कुत्ते हो चट जाओ। ये गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया जगाया, पर अगले पूरी प्लैनिंग नाल ये काम कर रहे हैं। पूरी प्लैनिंग दे नाल किन्नियां लाशां पंजाब जा चुकियां ने, किन्ना कुछ साडे नाल वापर चुका है। जागो, सचेत हो। तो मैं हुणे वीरां नाल गल कर रहा सी जिहड़े सानूं लै के आए, मैं कहा मेरे वीर अज किसान खलोता है ना, सारिआं दा फर्ज बनता इस जंग च कुद जाओ। सरकारां कानून पास कर लगियां 100 वार सोचू, जे अज जंग हार गए ना, कल नूं कोई फैक्ट्रियां बारे बिजनेस बारे कोई कानून इदां दा पास करता, फिर किसान ने नाल नहीं खड़े होना। उन्हें कहना जदों साडी वारी सी
ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਖਲੋਈਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਵਸ਼ ਯਕੀਨ ਹੈ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ।